गोपियों से दान लिया और गोपियों ने पति दान लिया और दोनों में प्रेम कलह हुआ। गोपियों ने कृष्ण की चोटी को पेड़ों में बांध दिए और सभाओं को भी ऐसे कर दिए। अंत में कृष्ण को गोपी वेश बनाकर उनके सिर पर दही की मटकी दे करके और ढेले से खोल करके सभी फिर करेगा राधा जी के चरणों में पढ़ो तब छोड़ेगी। तो उन्होंने आज जारी किया ये सब लीलाएं वहां हुई। और वहां से गोवर्धन में गए, वहां से मोरकुटी विलासगढ़ मानगढ़ और दानगढ़ में गए जहां पर कि कृष्ण ने दान दिया था और राधिका जी को भी दे दिया था। राधिका जी जेल में लाने लगी कि उनके बजट में सोना दे करके और उनको छुड़ाया। इस तरह से श्री जी के कुंज में उनके मंदिर में आप लोग गए, उनका दर्शन किया, वहां पर हरी कथा हुई। इसके बाद में श्री को ऊंचा गांव में ललिता जी की का विवाह मंडप, उनका महल इत्यादि दर्शन किया, फिर सूर्य बंद होकर के आ रहे हैं। वहां पर सक्री कोल में जो लीला हुई दामोदर है कि चला गया दामोदर वहां की क्या कैसी लीला हुई बोलो तो बोलो। संक्षेप में बोलो चक्षुरवेन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कर सके थे, आज हम लोग दर्शन गए। दर्शना में अंतर्गत गोवर्धन संकीर्तन पर हम लोग उपस्थित हुए थे। जिस पर का हम लोग परिक्रमा कर रहे थे उसका नाम गोवर्धन है। गोवर्धन मतलब होता है गंभीर। गंभीर क्या है? राधि का भाव गंभीरी जेवा महाधी जीत का जेवा महाधी जेव संग राधिका भाव गंभीर राधा गंभीर है। इसलिए जहाँ पर दर्शना में जहाँ पर प्रेम की बारिश में अनंत ब्रह्मांड का जो अधिनायक जो बराबर पर तत्व उनका प्रेम में ही जहाँ पर नहा लेते। इसलिए वो परिक्रमा के पहले हम लोग रंगली गली बदल हम लोग ने गए जहाँ पर रंगली गली में जहाँ पर श्याम सुंदर वो प्रेम गोपियां और राधा सारी
अपना प्रेम की अनुराग के रंग को भी यहाँ पर उनको डाल देते थे और होते हुए हम लोग संकीर्ण तौर पर आए थे। संकीर्ण पर वे संकीर्ण पर का तात्पर्य संकीर्ण में रास्ता है, इसलिए वो कैसे रास्ता बना हुआ जिसमें केवल एक व्यक्ति ही इधर से उधर जा सकते हैं और एक तरफ में ब्रह्मा जल पर्वत और एक तरफ में विष्णु पर्वत, इसलिए जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा 60,000 साल तपस्या करके राधारण की सेवा प्राप्त करते हुए राधारण की चरण की सेवा उठाने के लिए स्वयं वहाँ पर पर्वत रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। हम लोग आज श्रवण कर रहे थे जहाँ पर ब्रह्मा तद विभाग जन्म की रजो भी सकम बोल करके जिनको हृदय में ब्रज में पत्थर रूप में भी जन्म लेकर के राधारण की कृपा पाने के लिए जहाँ पर हुए पर्वत रूप में जहाँ पर प्रकट हुए, इसलिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इसे ब्रह्मात्म गौड़ीय संप्रदाय को हमारे महाप्रभु ग्रहण करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में राधारानी की सेवा पाने की इच्छा है और ब्रह्मा जी को भगवान सर्वप्रथम ताप गायत्री मंत्र उन्होंने प्रदान किया था, इसलिए ब्रह्मा जी के हृदय की भावना है, इसलिए ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा जल पर्वत रूप में और इसी तरह से विष्णु भी उसी आधारण की चरण की सेवा की लालसा करके भी पर्वत रूप में प्रकट हुए, नहीं तो एक स्वरूप में इसी तरह की जो पर्वत राधारण देखने में जैसे गोरी वो पर्वत जैसे गोरी है और कृष्ण देखने में जैसे काले कृष्ण का पर्वत भी वैसे ही काले, मानो राधा कृष्ण की जीवन है और उसका अंदर में वो सांगिक हो रहे, इसलिए कृष्ण अपना द्वार वालों के साथ में वहीं पर तैयार करा के चलाता है। आज अपना घर से कोई तलवार नहीं लाते थे, सरकार मिला के दिया बड़े भूख लग रहा है कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दो चिंता भी कर दो और मेरे साथ में, इसलिए कृष्ण वहीं पर अपना द्वार वालों के खड़े हो गए और वो ब्रज की गोपियां अपना सिर पर मटकियों में दूध दही माखन करके के ला रही थी, दिखने में श्याम सुंदर पहाड़ के ऊपर में चले गए और एक मटकी उठाए, मटकी उठा करके एक पत्थर उठाए जो मटकी में फेला, माते मटकी फूट गई और दूध दही से वो ब्रज को संपूर्ण स्नान कर ली, स्नान कर ली तो इतने में एक गोपी बहुत सारी सखाएं सब के सब गिर गए, गिर करके लुट पाट करके खा गए, इतने में वो अकेली बेचारी बड़ी शर्मा में बड़ी शर्मा गई, क्या कहकर राधा ने तो पास में शिकायत करती है, क्या शिकायत करती है, बोले नंद युके लाला अलबेला मेरी पति की में मार गयेला, मेरी नंद युके लाला I'm
राधा है कोई बात बोलती है वो नंदन के लाला अलवेला कितने बढ़िया रूप है जो पुसरान पुसरान में जिसको देखो तो देखते रह जाओ इतने प्यारे इतने सुंदर है आज मेरे को आगे के मिट्टी में ठेला मार के मिट्टी पर जो तोड़ के भी चले गए मिट्टी मतलब क्या है ये तो बस प्रेम की मिट्टी है किसी दिल की प्रेम की मिट्टी में मारे आज मेरी मिट्टी खुद से मतलब मैं घर के लज्जा सबके साथ उनके चरण में लुट गई इसको प्रेम में ही मैं स्नान कर लिया भगवान जी को मिट्टी में चादर में बात है अद्भुत है कि स्नान क्योंकि चादर में बात है दूध है कि स्नान में ही उनको प्रेम में ही संपूर्ण हम से डूब गए हैं ऐसे बात है हमारे सचियों को बोले ऐसे ये विकार उनको छका दिया देगी कि तुम आज तक खाए उनको मुंह में लगा हुआ होगा कल तुम भी लोग आ जाना कल जब खाने के लिए आए ना हम पहले से ही कुछ जरूर शुभ कर कराएंगे फिर तो देखो ना हम किसे मजा से खाते हैं फिर दूसरे दिन भी आते हैं कहीं आप तो खाए मुंह में लगा हुआ फिर भी आए तक आप तो जाते हैं फिर वो गोभी को छोड़ देते हैं फिर जब वो गोभी जाती है फिर ग्वाल वाल को घेर लेते हैं इतने में कोई सखी गुड़सली बजाती है बजा कर ही चारी तरफ में गोपियां जो कुंज में छुपी हुई थी सबके झूठ के झूठ निकल आए और एक सखा को भी जाने नहीं दिया और सब ने उसका पकड़ करके इसको हाथ बांध दिया जिसको छोटी पेड़ के ऊपर बांध दिया जिसको हाथ पीछे बांध के गुलचा लगाने लगे सखा लोग रोने लग गए कि हम कुछ नहीं जानते बोले फिर तुम्हारे जो लीडर है कन्हैया ये कन्हैया बोले हमको बोले ये है ये कार्य करूंगा अपने हाँ और बोले कान पकड़ा उठ बैठ कर और पति हमारे गोपियों के साथ मेरे से करोगे कहीं हरने लगे तो मैं एक हाथ पकड़ता हूँ और कभी नहीं करूँ इसलिए कहते प्रेम नदी आती सदा उल्टी वाले धार के बाद पावे वाले के पास जहाँ पर खराब कर सकते भी प्रेम गोपियों को प्रेम में इतने बसे बुत हो गए इतने बसे बुत हो गए जिसका केवल एक आंखों के इशारा पर तेजस्य प्रभाव भवन तो जगत धन्य कोटी कोटि अशेष प्रसुधार जीवों को बिना जब ब्रह्म निष्कल अनंत अशेष सुधार गोविंद माद जो संतमन भजानी जिनके केवल इशारा पर भी कितने करोड़ करोड़ विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाए जिनके एक एक लोक में कितने विश्व ब्रह्मांड है लेकिन आज को प्राप्त कर सकते भक्तों का प्रेम में इतने दशित हो गए जहाँ पर काम वगैरह लुट बैठ कर रहे हैं और उनको संपूर्ण प्रेम में और तो दशित है हर व्यक्ति हमें नहीं करूंगा बात ऐसे इसलिए वहां पर सांकिरी हो रहे मतलब कहते प्रेम प्रेम मार्ग अति सांकिरी ताहे दो नहीं समाए इसका मतलब है वहां पर केवल एक व्यक्ति ही उसको रास्ता में जा सकता है कहते उसी तरह जो प्रेम मार्ग वो अत्यंत पतली मार्ग है कहते गुरु मार्ग में केवल एक मन के द्वारा ही हम भगवत भजन कर सकते हैं दो मन करेगी इसका मतलब है कृष्ण चाहते हैं तुम सबके सब मुझे ही दो इसलिए मन मना बाबा मत कर दो बाबा मां जाने मां नमस्तु इसलिए जो कुछ करो मेरे लिए करो मां कैसे सत्यम प्रतिजान प्रिय कभी तुमको संसार में कर रहा था अगर मन किसी दूसरे को दोगे तो फिर हम तुमको उधार नहीं करोगे इसलिए प्रेम की रास्ता में केवल हमें एक मन से गुरु जी के चरण में शरणागत होकर के भगवत चरण में शरणागत होनी चाहिए वैसा गुरु प्रदेश के पास translation of the pastime of Sakari Kaur. This is one of the Dangatis,
just as there is Dham Gati in Goverdhan, so there is a Dham Gati called Sattari Kaur in Varsana. And just as here in Goverdhan, there's a very, very narrow passageway between one side of the mountain and the other. So in Varsana, going from one side to the other, there's a very narrow passageway where only one person at a time can cross. Just at the time, like at the time of death, one has to be alone. So this praying loving pastimes with Krishna enhances at this passageway. Krishna comes to plunder the yogurt and butter of the gopis. But what is that plundering? He's always plundering their hearts, which are full of love, and stealing all of their love. Actually, they're giving him their love, and everything already belongs to him. But he does the pastime in the form of plundering. It's more pleasurable than being loved and owning everything. So the gopis, headed by Radhika and Lalita, are going past from one side to the other. And Krishna and Madhumanga, Subhavsaka, they pretend to be tax collectors. And they said, you're always going past our Vrindavan, our land, without paying any tax. And now finally we've caught you, and now you have to pay the tax. Otherwise, we'll approach King Cupid, the king of this area, and he will have to punish you. So the gopis are refusing. So Krishna and the sakas then plunder the butter and yogurt and just start eating it, breaking the pots. So this goes on day after day, and the gopis are wanting to retaliate. So they make a plan that tomorrow we'll pretend we're very innocent and go with our pots of yogurt, going from one side of Sakari Kaur to the other. And actually we'll have many hundreds or thousands of gopis hiding in the kunjas and the caves. And then when Krishna tries to plunder the yogurt, we'll call all of our friends. So this conspiracy is headed by Lalita Devi. And you'll hear more about her when Srila Gurudev explains about Kuchigam. So under Lalita's direction, all the gopis are carrying their yogurt pots, and Krishna again, with Madhu Mangal and Subhasaka, try to plunder the yogurt. At that time, they make signals, and all the gopis who are hiding in the kunjas and caves come out, and five or six gopis grab Krishna and forcibly put on gopi clothing, a sari, and cover his head with a veil, putting on ornaments on him, bracelets, just like a gopi, and then putting the pot of yogurt on his head. Lalita Sakhi herself takes a rock and throws it at the pot of yogurt, at which time Krishna becomes decorated with all of their yogurt. And other gopis grab Madhu Mangal and Subhasaka, and they tie their sikas to the branches of the trees there, and they slap their faces, and Lalita and Radhika and the other gopis who grab Krishna slap his face and makes it swollen, and Krishna is full of anxiety that he's been defeated, but Radhika and the gopis are all very joyful. So who gets the most pleasure out of Krishna being defeated by the gopis? That is Krishna himself. Krishna takes the greatest pleasure in being subservient to his associates, and he becomes the most subservient to Radhika and her associates. Therefore, of all the many names of Krishna, just like there are Vana names and Mukya names, the highest names of all, the most complete names that coincide with the most complete forms of Krishna are Radhakant, Radhanath, Radha Gopinath, Radha Ramayana, because
the highest aspect, most complete aspect of the Supreme Absolute Truth is subservience and being defeated and controlled by the love of Srimati Radhika and the gopis. So Sankari Kaur, which is in Vrasana and upon the body of Lord Brahma, who performed austerities at the end of Satya Yuga to please the Lord. The Lord asked him, Krishna asked him, what benediction can I give you? And he said, I want to witness the pastimes of you and Radhika and the gopis and your all associates. So Krishna blessed him just as he blessed Lord Shiva to become Nandiswara and hold all of Nandagam on his head so that he could always witness the pastimes. So Krishna blessed Lord Brahma that Varsana is resting on all of his heads, and there we see the Vishnu Parva and Brahma Parva. And so Gurudev actually got a grand award several years ago near this place, near Dauji Mandir, for being the Yuga Acharya, and many, many hundreds of Brijvasis and various organizations honored him with so many garlands and flowers and plaques and speeches because of all the work that he's doing to spread the glories of these holy places all over the world and also renovate all the holy places. So Gurudev is glorified all over Braj for establishing the glories of Sankari Kaur and all the other pastime places. गोवर्धन की परिक्रमा विलासगढ़ मानगढ़ दानगढ़ विलासगढ़ और मानगढ़ इत्यादि में राधा कृष्ण की बहुत सी बाल्य लीलाएं वहां पर हुई थी। गोरपुरी में कृष्ण और श्रीमती राधिका की मोर जैसा बनकर और नृत्य किया था। जी का नंदी ये राधा जी का पूज्य था, वहां पर राधा कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हुई। पीली पोखर एक प्रसिद्ध स्थान है। एक बार श्रीमती राधिका की पौगंड अवस्था में गई नंद भवन में, जो सदा जी कृष्ण के समान ही उनको प्यार करती थी, अपने हाथों से किसी प्रकार से उनको खिलाती पिलाती थी। एक बार उनका हाथ पीला कर दिया, पीला किया, पहु बनाया और उनके हाथ में रंग लगा दिया कि हमारे बेटे की साथ में तुम्हारी शादी होगी। राधा जी बड़ी लज्जित हो गई और बरसाना लौटने के पहले देखा कि घर में जाएंगे लोग क्या कहेंगे, उसी पोखर में अपनी हाथ बंद करके धोया तो उसका पानी पीला हो गया, इसलिए पीली पोखर था और वहां से घर में गई। ऊंचा गांव आप तो जानते हैं, ललिता जी का यह ग्राम है, ललिता जी की आटोली आटोल पर्वत पर है, पास ही में देह कुंड है। राधा जी ने कृष्ण ने किस प्रकार से राधा जी को दानवे दिया, फिर उनको तौल करके ब्राह्मणों को सोना दिया, वो दान। इसके बाद में सखीगिरी पर्वत पर राधा जी का ललिता जी का विवाह मंडप है। शक्तियों ने कृष्ण के साथ में गठजोड़ कर और विवाह का गीत गाया और वहीं पर पास में की संधि शिला है और पानी देते हैं उसमें से रंगोली भी चलती है, उसी पर सखियां की संधि भी थी।
खेल करते थी से करते था। तत्पश्चात हम लोग सूर्य कुंड में गए। सूर्य कुंड राधा जी के सूर्य पूजा के बहाने से कृष्ण से मिलने की मिला। वहां पर कृष्ण एक ब्राह्मण के लड़के के वेश में बनकर पोथी लेकर के उपस्थित होते हैं। साथ में सुमंगल मंगल भी रहते हैं। जटिला जी का किसी ब्राह्मण को खोलकर ले और ये पूजा कर लिया। इतने में कृष्ण मिल गए उनको। कृष्ण को लिया जी कृष्ण को देखकर के बड़ी चकित हुई। जटिला जी बहुत योग्य लड़का है, ब्राह्मण है, ये पूजा करा। तो कृष्ण ने पूजा कराया। मित्र माने सूर्य और मित्र माने मैं सखा। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत रूप में उनको पूजा कराया। राधा जी से राधा जी ने कुछ किया, जटिला जी ने कुछ उपहार दिए। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण नहीं लेता था, तो फिर मधुमंगल को दे दिया और लड्डू दे दिया। उसी को बहुत ऐसी ऐसी सब लीलाएं वहां पर होती है। इस प्रकार से सूर्य कुंड से होकर के आप लोग Brahman. Said, I'm that type of Brahman. So he took all those lines and was very happy.
यदि दूरम बता कृष्ण पर सुखे क्षणाय तम अहम पूर्वम हम पूर्वम संस्पृश्य रे कभी कभी कृष्ण यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं जो गोवर्धन की कुलीनी कन्याओं की बात करी गई उनका जीवन ही सार्थक है बतलाया गया है जो कृष्ण के चरणों से लगे हुए कुमकुम को अपने मुखमंडल और अंगों में लगाकर अपने तीव्र काम को प्रशमन करते थे दूर करते थे उनसे भी अधिक ये सरकार गोप कुमार हैं उनका महत्व वर्णन करते हुए कह रहे हैं कृष्ण वन भोजन करने के लिए और वन में विहार करने के लिए जब असंख्य गायों और बछड़ों को लेकर अपने घर से निकल करके सिंह और बेणू बजा करके सरकाओं को एकत्रित कर और ये गोपालक भी अपनी अपनी असंख्य बछड़ों को लेकर अपने अपने घर से निकल आते और सब बछड़ों के सहित सैकड़ों लाखों करोड़ों बछड़ों का जूस बनाकर बछड़ों को चराते हुए एक पन से दूसरे पन में जाते वहां पर फूलों से नए कोमल पत्तों से वहां के फूलों से कृष्ण का श्रृंगार करके अद्भुत बनाते और अपना भी श्रृंगार करते कभी खेल खेल में एक दूसरे की बेणू बंसी चुरा लेते और वो ढूंढता हुआ इधर उधर खोलता जब उसको देख लेता तो वो दूसरे दूर को फेंक देते वो अब चुरा लेता इस प्रकार से परस्पर कृष्ण के साथ में खेल कर रहे हैं कभी प्रीति के लिए कोई बेणू पालन करता कोई बंदरों की पूछ पकड़ करके और उनके साथ एक पेड़ से दूसरे पड़ने जाता कोई सफा मेढक जैसा बन करके उसके साथ में फुकता कोई किसी तरह से तरह तरह की विचित्र लीलाओं को वो करने लगे इस प्रकार से कृष्ण और कभी भवन को जाने गुजार करते कभी बगले के साथ में बैठ कर वैसे ही चेष्टाएं करते इस प्रकार से खेल खेल में मुक्त हो जाए कृष्ण जब वृंदावन की अद्भुत शोभा को देखने के लिए कहीं थोड़ी सी दूर चले जाते तो सखा हरण नहीं पाते ढूंढने लगते और यदि कृष्ण को देख लिया मैं छूंगा पहले इस प्रकार से सारे बच्चे दौड़ पड़ते और कृष्ण को स्पर्श करके अत्यंत आह्लादित होते इस प्रकार से बच्चों का सौभाग्य कैसा है ब्रह्म सुखांत भूते ये जो योगी लोग ब्रह्मज्ञानी लोग जिस ब्रह्म सुख को प्राप्त करते हैं उसे तो अरुणांत ये नर बालक बने हुए साधारण जिसको बालक समझते हैं और वो कृष्ण इन गोपों के साथ में खेल कर रहे हैं ऐसे कृष्ण को ये दौड़ करके पकड़ते हैं जिसको जो भी अपने मन से भी नहीं पकड़ पाते उनको ये सफाई पकड़ करके और आनंद में भर जाते हैं कृष्ण को भी हंसाते हैं अपने भी हंसते हैं
इस प्रकार से एकदम सतान ब्रह्म सतान हो गया दर्शन गतान पर सही वयसितान नल तारकेण सर्वम विद्युत Yesterday we heard Sukadev Goswami describing the good fortune of the Aboriginal communities. Oh, if anyone is successful, their lives are successful. Because seeing the kumkum coming from the bodies of the gopis, smeared on the footprints of Krishna, now resting upon the grass, they take that kumkum and wipe it upon their face and bodies, thus their calm or their loss is completely dispelled and they become peaceful. But even more glorious than the Purindis are the Sakas, the friends of Sri Krishna. Sri Sukadeva Goswami describes when Krishna goes to the forest for lunch, that time countless thousands upon thousands of boys and calves join him. Coming each from their own home with their own group of calves, they merge together and go to the forest. Some play flutes and some play buffalo horns. The boys also have millions upon millions of calves, and they move from forest to forest. The coward boys decorate Sri Krishna with flowers, soft leaves, and other forest paraphernalia, and they also decorate themselves. They play in various ways. Sometimes they steal food of one boy. As he goes to search, they pass to another one. Sometimes the boys grab the tails of a monkey, and as the monkey jumps from branch to branch, they swing with the monkey. Some boys imitate the sound and movements of frogs. Some hum like bees. Some imitate the standing position of storks. In this way, we become completely absorbed in happiness. Sometimes when Krishna moves ahead to see the beauty of Vrindavan, the boys run, aham purvam, aham purvam. I will touch him first. And when they run and touch Krishna, they become very happy. Therefore, Sri Sukadeva Goswami says, Itam satam brahma sukham bhukya dasyat katanam naradeva tena maya sukhanam naradeva kena satyam Therefore, these boys are even more fortunate than the yogis. The yogis cannot even catch Krishna by their minds. But these boys, considering Sri Krishna to be a Narabalak, a normal human-like child, they run and touch him. But the yogis cannot touch him even in their meditation. It comes to that very common. वो बालों की परम सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए श्री दो गोस्वामी कहते हैं हम सतान परम सुखान इस प्रकार वो बालक बचपनों को चराने और विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं करते करते कृष्ण के साथ में निहार करने लगे वह लीला निहार कैसा था साक्षात ब्रह्म सुख का अनुभव कराने वाला साधु व्यक्ति जिसे साक्षात ब्रह्म सुखानुभव के रूप में अनुभव करते हैं उनके साथ ये सखा लोग करते थे कैसा उनका सौभाग्य है ये कृष्ण कैसे हैं दास भाव साधु माने दास भाव वाले भक्तों के ये परम देवता है अथवा साधु होने के कारण मुक्त व्यक्तियों के लिए सुखानुभूति के स्वरूप और माया के द्वारा मोहित व्यक्तियों के लिए साधारण नर बालक कैसे प्रतीत किए कृष्ण हो रहे हैं किंतु मुक्त महापुरुषों के लिए ब्रह्म सुख के जैसे ये प्रतीत होते हैं ऐसे ये भगवान के शिष्य साधु का जैसे ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति जिनको ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं ऐसे तो प्रकाश परम सुख तथा दास भाव से युक्त भक्तों की ओर ये परम देवता के रूप में कृष्ण है ऐसे प्रभु इन सखाओं के साथ में ये क्रीड़ा कर रहे हैं तरह तरह आप लोग भी परम सौभाग्यवान है
ये कृष्ण की लीला स्थलियों में भ्रमण कर रहे हैं, जहां जहां पर गए ये कृष्ण की बहुत सुंदर मधुर लीलाओं की भूमि से पैरों से ये अंकित भूमि है। बरसाना कृष्ण मोर को भी वो सकरी गरी श्री जी का भूमि तेरी पोखर ऊंचा गांव सूर्यकुंड ये जाना कम सौभाग्य की बात नहीं है। तो साधारण व्यक्ति के लिए ये कृष्ण बालक जैसे मालूम पड़े हैं, किंतु कौन पर ब्रह्म साक्षात कृष्ण ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण ये है, साधारण नहीं। इस तरह से नरसारस ने किशोर बाले विचित्र वेशभूषा से युक्त के मनोवत्स इन गोपियों के लिए ऐश्वर्य आदि से संबंध है केवल गौपुत्री की भांति इष्ट पूर्ति अगर तो हमारे प्यारे प्रियतम कृष्ण है ऐसी गोपियों की भावना है। गोपियों को अत्यंत अधिक आनंद देने वाले हैं उनकी साथ में ये बच्चे इतने सौभाग्यवान हैं जो कृष्ण के साथ में तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, कृष्ण को आनंदित कर रहे हैं और अपने भी आनंदित हो। आज यही तक रहे, आप सभी लोग विश्राम करें, कल गौरवशोता गवाली महाराज जी का आविर्भाव नीरोभाव है, कल एकादशी भी है, सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे, अन्य इत्यादि का व्यवहार नहीं करेंगे और हम लोग गौर पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी का वैशिष्ट जीवन चरित्र वर्णन करेंगे और हमारे गुरु महाराज जी से उनका क्या संपर्क था ये सब भी उसमें आएगा। आप लोग सवेरे की क्लास में ये सब तो प्रमाणते is describing a good portion of the coward voice of Rajamandala. Idam Satam Brahma Sukham Gudya. They are even more fortunate than the yogis who can only realize Krishna in the form of Brahmajyoti Surup. The coward boys are even more fortunate than those in Dasyaras, the sadhus, who who realized Krishna the form of the Supreme Personality of Godhead. The cowboys are even more fortunate than the liberated souls who realize Brahmasukha in personal liberation. But that same Krishna is realized by the bound souls, they see him as an ordinary person. That same Sri Krishna, the Supreme Lord, endowed with unlimited sweetness and opulence. We are also so much fortunate that we went to all these pastime places where Sri Krishna marked the ground of Rajamandala with his bare feet. It is not a matter of small good fortune that today we went to Pilipakur, Sriji Mandir, Sakri Kur, Surikun. It is not a matter of small good fortune. Therefore, these cowboys are greatly fortunate. They think that same Supreme Lord, Sri Krishna, to be Narayan, like an ordinary boy. Thus, that Krishna who is endowed with unlimited opulence and unlimited sweetness, they play with him freely. And the gopis are even more fortunate. They never have the feeling of Bhagavad Buddhi, Swabuddhi, the feeling that Krishna is the Supreme Lord. Always they feel a feeling of loving Sabbanduva. Like a normal common day relationship. The gopis performing pastimes with Sri Krishna become ecstatic. Thus performing leelas with him, they make him happy and they also become happy themselves. Tomorrow is the disappearance day of Sri Gaurika Sodas Babaji Maharaj. So tomorrow we will discuss his wonderful character, his relationship with our Paramgurudev. Also, everyone should take note. Tomorrow is a courtesy, therefore, should not eat anything like rice, grains, dal, khichdi, things like that.
Hare Krishna, Kale Kadasi, Kal Sakal Matasama, Vaivam, Ikarayan Karahese. A Kartimasa de Kalke says Vaivamadika, if a Kartimasa no Vaivamadika Havana, but for Sudene, Havanabe. Kal Sudenava, the Vaivam, Isaki, Ayan Kalia, so Johanam Isaki, Isakte. कल 9 बजे तक प्रिय भजन कुटी में आ जाएं और परसों हवन होगा इसके बाद और इच्छा भयान का कोई अनुष्ठान नहीं है और जो दीक्षा लेने वाले पुरुष भक्तों के लिए माथा मुंडन करके आएंगे और जो कोई गुटका या खोईनी सुपारी चार ये सब नहीं चलेगा कुछ भक्तों ने बताया था वृंदावन इधर भी आए हैं उनको मैं उनका खाते देखा मैंने सुपारी खाता हूँ ये सब चलेगा नहीं पहले छोड़े उसके बाद होगा तो ऐसी तो बात ही किया है टुमारो इज इनिशिएशन सो 9 एएम विल टेक प्लेस द गुरुदेव भजन कुटी वी वर वांट इनिशिएशन टुमारो इज द लास्ट फाइनल इनिशिएशन डे इन कार्तिक After tomorrow, no more incident is starting. So for men, everybody must stay and clean head and clean cloth. And for ladies, they can shave their head, don't need to shave their head here. So, 9 a.m. And after tomorrow, we require sacrifice. Combine the photo of Srimad Maharaj and Srimad Maharaj. So, please don't delay 9 a.m. If you come out 10 o'clock, not possible at all. So we will not be using them twice, only once. Hare Krishna, thank you for the proposal. Now, Sri Bhajana, please give an announcement and raise dinner. Hare Krishna, the book written on the Parikram book has arrived. So the Lord is here, and also some of you are reading tonight. If you are across the room, it's on two carriers, if you are across the room, you are here. We will put it out in front of the mandir, yeah, on the table for sale, just after class. Yeah. So who are going tonight, they can take it. Otherwise, tomorrow morning it will also be for sale. Yeah. And today, of course, several buses and bodies have left clothes and other things. We collected some things. They will be on the table here. Those of you who have forgotten things in the bus, you can pick it up here. Yes, after class also. Now devotees are going back their country. They want to say to them goodbye. So whoever wants to say goodbye, they can come in class and do pranam and say to them leaving tomorrow, whatever tomorrow like this. Because all everyday Guru is very busy, all you are busy. So in tomorrow they can come and do pranam and you will be on other day, like this in morning and evening, both time in class. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.